जरा सोचो, एक दिन अचानक तुम्हारे शरीर में एक अनजान जानवर की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत बार्टोक इंडस्ट्रीज की एक पार्टी से होती है, जहां कई सारे साइंटिस्ट और न्यूज रिपोर्टर्स मौजूद थे। उसी पार्टी के दौरान वेरोनिका नाम की एक रिपोर्टर ने शहर के एक मशहूर साइंटिस्ट सैम से उसके अगले प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में सैम ने बताया कि उसका अगला प्रोजेक्ट इस पूरी दुनिया को बदल देने वाला है। पर वहीं वेरोनिका को उसकी बातों में कुछ खास दम नहीं लगा और वो इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहती थी, जिसके लिए सैम ने उसे अपनी लैब में बुलाया, जहां पहुंचकर सैम ने उसे टेलीपोर्ट नाम की अपनी नई इन्वेंशन दिखाई, जिसमें दो फोन बूथ जैसी चीजें कंप्यूटर के जरिए आपस में जुड़ी हुई थी। और सैम के मुताबिक वो किसी भी चीज को एक बूथ से दूसरे बूथ में भेज सकता है। और इसी चीज को साबित करने के लिए उसने वेरोनिका से उसकी कोई चीज मांगी, जिस पर वेरोनिका ने अपनी स्टॉकिंग्स उसके हाथ में पकड़ा दी। इसके बाद सैम ने उस स्टॉकिंग को एक बूथ में रखकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसके कुछ सेकंड बाद ही वो स्टॉकिंग अचानक से दूसरे बूथ में पहुंच गई। और वहीं पास में ही खड़ी वेरोनिका ये देखकर हैरान हो गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि आविष्कार सच में दुनिया बदल सकता है। इसके बाद उन दोनों ने इस आविष्कार के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, जिस दौरान वेरोनिका ने बताया कि वो उन दोनों की बातचीत को रिकॉर्ड कर रही है। पर सैम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने इस आविष्कार के बारे में दुनिया को नहीं बताना चाहता था। पर वेरोनिका ने कहा कि तुमने इतनी जबरदस्त चीज बनाई है, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलना चाहिए। और इसीलिए वो वहां से निकलकर सीधा अपनी मैगजीन के ऑफिस में चली गई, जहां उसने अपने बॉस साइमन को अपनी रिकॉर्डिंग सुनाते हुए सैम के आविष्कार के बारे में बताया। और सैम को वेरोनिका की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, और कुछ ही देर बाद उन दोनों की ये बातचीत बहस में बदलने लगी। पर तभी सैम भी वहां आ गया, जिसके बाद साइमन उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। सैम ने वेरोनिका के सामने एक ऑफर रखा, जिसके मुताबिक अगर वेरोनिका अभी इस खबर को नहीं छापेगी तो वो सैम के इस आविष्कार पर किताब लिख सकती है, और वो किताब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसकी ये बात सुनकर वेरोनिका भी इस समझौते के लिए तैयार हो गई। अगले दिन से ही वेरोनिका ने सैम के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और इधर सैम भी अपने एक्सपेरिमेंट में एक बंदर का इस्तेमाल करने वाला था। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बदकिस्मती से मशीन को शुरू करते ही वो बंदर सिर्फ एक मांस के टुकड़े में बदल गया, जिसके चलते सैम काफी उदास हो गया। और उसी रात एक साथ समय बिताते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए, जिस दौरान अचानक से सैम की पीठ में एक ट्रांसमीटर घुस गया, जिसे बड़ी ही सावधानी से निकालते हुए वेरोनिका ने बताया कि औरतों को मसल्स बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। पर उसकी ये बात सुनकर सैम को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने आविष्कार में मसल्स का तो ध्यान रखा ही नहीं, और अपनी गलती का पता लगते ही वो तुरंत वापस काम पर लग गया, जिस दौरान उसने वेरोनिका को बताया कि असल में उसकी मशीन टेलीपॉड में पड़ी चीज को स्कैन करके उसे ठीक वैसे ही दूसरे टेलीपॉड में क्रिएट करती थी, पर उसने अपने कंप्यूटर को कभी मसल को स्कैन करने के लिए तैयार ही नहीं किया, जिसके चलते वो बंदर एक मांस का टुकड़ा बन गया था। इसके बाद सैम वापस अपने काम में लग गया, और इसी दौरान वेरोनिका भी काम से शहर के लिए निकल गई। पर वो ये नहीं जानती थी कि घर से निकलने के बाद से साइमन उसका पीछा कर रहा था, और जब वेरोनिका बाजार में सैम के लिए कपड़े खरीद रही थी, तभी साइमन अचानक से उस पर आकर गुस्सा करने लगा कि तुम कैसे सो सकती हो किसी और के साथ। पर वेरोनिका का कहना था कि भाई मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी के साथ रहूं, तुझे क्या। उधर सैम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, और वेरोनिका के वापस आते ही वो पहली बार एक बंदर को टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। और इसी खुशी को मनाने के लिए उन्होंने बाहर से खाना मंगवाने का फैसला किया, और तभी वेरोनिका की नजर टेबल पर पड़े पार्टिकल मैगजीन के एक एनवलप पर पड़ी, जिसमें सैम की शक्ल और आविष्कार के साथ एक न्यूज कवर की कॉपी पड़ी थी, जिसे देखते ही वेरोनिका समझ गई थी कि साइमन उससे पहले ही इस खबर को छापने की तैयारी कर रहा है। और इसीलिए वो तुरंत अपने ऑफिस पहुंची, जहां उसने साइमन को धमकी देते हुए इस खबर को ना छापने को कहा। पर सामने से बहस करने के बजाय साइमन उसके सामने कमजोर पड़ गया, जिसके बाद उसने बताया कि वो ये सब वेरोनिका को सैम से दूर रखने के लिए कर रहा है, ताकि वो वापस उसके पास आ जाए। जिस पर वेरोनिका ने जवाब दिया कि देखा, अगर तू आखिरी इंसान होगा ना इस पूरी दुनिया में, तो भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। पर उसने साइमन से वादा किया कि हम अच्छे दोस्त जरूर रहेंगे। और इधर साइमन तो इतने में भी खुश था। उनकी इस बातचीत के बाद साइमन ने वो रिपोर्ट ना छापने का वादा किया, लेकिन उधर अब सैम धीरे धीरे सारी बातें समझ रहा था, और अब उसे साइमन और वेरोनिका के रिश्ते के बारे में भी पता चल गया था। और इसी बात से गुस्सा होकर उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि वो बिना कुछ सोचे अपनी शर्ट उतार के टेलीपॉड के अंदर बैठ गया। पर उस वक्त उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ एक मक्खी भी टेलीपॉड में बैठी थी, और कंप्यूटर ने उन दोनों के ही डीएनए को स्कैन कर लिया।
लेकिन सिर्फ सैम ही दूसरे टेलीपोर्ट तक पहुंचा। उस शाम जब वेरोनिका वापस आई तो उसने अचानक से जाने के लिए सैम से माफी मांगी, जिस पर सैम ने उसे अपने ऊपर किए टेस्ट के बारे में बताया। पर वेरोनिका के कोई जवाब देने से पहले ही सैम ने सीधा सीधा पूछ लिया कि भाई तेरे और साइमन के बीच में क्या है। लेकिन वेरोनिका ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और साथ ही वो उसे टेलीपोर्ट होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती है। उसकी बात पर भरोसा करते हुए सैम ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट की वीडियो दिखाई, जिसे देखकर वेरोनिका बहुत ज्यादा खुश थी। अगली सुबह जब सैम की आंख खुली तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी जान महसूस हो रही थी, जिसके बाद उसने अचानक से किचन में जाकर कसरत करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वेरोनिका बहुत ज्यादा हैरान थी। और थोड़ी देर बाद उसकी नजर सैम के घाव पर उग रहे बालों पर पड़ी, जिसे काटने के लिए जब वेरोनिका एक कैंची लेकर आई तो सैम ने उसे बताया कि उसे सिर्फ मीठा खाने का मन कर रहा है। थोड़ी देर बाद सैम ने हिसाब लगाया कि टेलीपोर्ट होते वक्त उसके शरीर के एटम्स रीअरेंज हो गए, जिस वजह से उसके अंदर ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब वो चाहता था कि वेरोनिका भी इस चीज को महसूस करे, और जब उसने इसके लिए मना किया तो सैम ने उसे जबरदस्ती खींचना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जब वेरोनिका तैयार नहीं हुई तो सैम उस पर चिल्लाने लगा, जिसके बाद वेरोनिका तुरंत समझ गई कि सैम के साथ टेलीपोर्टेशन के दौरान कुछ तो गड़बड़ हुई है। पर सैम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, और फिर वो कहने लगा कि अगर वेरोनिका को उस पर विश्वास नहीं है तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। उनकी लड़ाई के बाद वो एक बार में गया जहां एक लड़की दो लोगों के बीच चल रहे पंजे के मैच को बड़े ध्यान से देख रही थी, और इसीलिए सैम ने उस मैच में जीते हुए आदमी को चैलेंज कर दिया, जिसे बड़ी ही आसानी से हराने के बाद उसने उस लड़की को डिनर पर चलने के लिए पूछा, और सैम की ताकत से इम्प्रेस होकर वो तुरंत ही तैयार भी हो गई। पूरी रात उसके साथ घूमने फिरने के बाद अगले दिन सैम उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उस लड़की को भी टेलीपोर्ट में बैठने को कहा। लेकिन इस लड़की ने मना करने की बजाय सैम का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद वेरोनिका वहां पहुंच गई, जिसके चलते वो लड़की वहां से सही सलामत निकल गई। वेरोनिका ने सैम को अपनी शक्ल देखने को कहा, जो अब धीरे धीरे बदल रही थी। साथ ही वेरोनिका ने उसके शरीर पर उग रहे बालों का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिनका डीएनए किसी इंसान से ज्यादा एक कीड़े से मिल रहा था। पर सैम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, और उसने गुस्से में वेरोनिका को घर से बाहर निकाल दिया। पर वेरोनिका के जाने के बाद उसने बाथरूम में अपने शरीर को गौर से देखना शुरू किया, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि सच में उसके अंदर काफी सारे बदलाव आए थे। यहाँ तक कि उसे ट्रिमर इस्तेमाल करने में भी दर्द हो रहा था, और साथ ही उसकी उंगलियों को जोर जोर से दबाने पर कुछ अजीब सा निकल रहा था। सैम ने तुरंत ही उस दिन किए गए एक्सपेरिमेंट को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उसे सच्चाई का पता चला। दरअसल जो मक्खी उसके टेलीपोर्ट में मौजूद थी, टेलीपोर्टेशन के दौरान उसकी मशीन ने उन दोनों के डीएनए को एक साथ जोड़ दिया था। अगले कुछ दिनों तक सैम बिना किसी से बात किए कमरे में ही बंद रहा, और पूरे एक महीने बाद उसने वेरोनिका को कॉल करके अपनी बिगड़ी हालत के बारे में बताया, और अब वो एक बार उससे मिलना चाहता था। कुछ घंटों बाद जब वो उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि सैम पूरी तरह से बदल चुका था, और अब उसे चलने के लिए भी डंडे का सहारा लेना पड़ रहा था। अपने प्यार को ऐसी हालत में देखकर वेरोनिका रोने लग गई, जिसके बाद सैम ने उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया कि उसके सेल्स में एक अजीब से किस्म का कैंसर बन गया था, जो धीरे धीरे उसकी हालत और बिगाड़ता जा रहा था। उसकी बात सुनकर वेरोनिका ने जैसे ही उसे गले लगाया, तभी सैम ने उसे अपने से दूर कर दिया, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर इसके बावजूद भी वो वेरोनिका से मदद की मांग कर रहा था। अगले दिन वेरोनिका ने ये सारी बात साइमन को बताते हुए उससे मदद मांगी, जिसके लिए साइमन तैयार तो हो गया, पर वो पहले सैम की एक वीडियो देखना चाहता था, ताकि वो अगले कदम के बारे में सोच सके। उधर जब वेरोनिका सैम से मिलने के लिए उसके घर पहुंची, तो उसने देखा कि सैम छत पर एक मक्खी की तरह चल रहा था, जिस पर सैम ने उसे बताया कि अब उसे लग रहा था कि वो एक हाइब्रिड जानवर बन गया है। टेलीपोर्ट में मौजूद उस मक्खी की वजह से अब वो भी मक्खी की तरह ही हरकतें कर रहा था। वो अब चीजों को खाने भी ठीक उसी तरह लगा था जैसे मक्खियां खाती हैं। उसकी सारी हरकतों की वीडियो बनाकर वेरोनिका तो साइमन से मिलने चली गई, पर इधर सैम को एहसास हो रहा था कि उसके अंदर से इंसान होने का आभास खत्म होता जा रहा है, और इसीलिए उसने कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम बनाया, जिसकी मदद से वो अपने शरीर के जीन्स को चेंज कर सकता था। पर इसके लिए उसे साफ इंसानी जीन्स की जरूरत थी। उधर वेरोनिका को पता चला कि उसके पेट में सैम का बच्चा था, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये एक्सपेरिमेंट के पहले का है या उसके बाद का। जब उसने साइमन को इस बारे में बताया तो उसका कहना था कि वेरोनिका को कोई भी कदम उठाने से पहले इस बात को सैम को जरूर बताना चाहिए, और इसीलिए वो दोनों तुरंत ही सैम से मिलने के लिए पहुंचे। पर वेरोनिका के कुछ भी बताने से पहले सैम ने उसे वहां से जाने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया है। और उसकी ये बात सुनकर वेरोनिका तुरंत ही वहां से भाग गई, और उसने बाहर आकर साइमन को बताया कि वो अभी सैम को बच्चे के बारे में नहीं बता सकती। पर उसकी ये बातचीत ऊपर खड़े सैम ने सुन ली,
थी और वो समझ गया कि वो दोनों उस बच्चे को गिराने वाले थे और इसीलिए वो हॉस्पिटल से ही वेरोनिका को अगवा करके अपने घर ले आया, जहां उसने वेरोनिका को बच्चा पैदा करने के लिए मनाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक ये उसके पास खुद को ठीक करने का आखिरी मौका था। पर वेरोनिका को डर था कि कहीं ये बच्चा सैम की तरह एक म्यूटेंट निकला तो। उसी वक्त साइमन वेरोनिका को बचाने के लिए लैब में अपनी शॉटगन के साथ घुस तो गया, पर गोली चलाने से पहले ही सैम ने उसे पकड़कर उसके हाथ पर एसिड वाली उल्टी कर दी, जिससे उसका हाथ गलना शुरू हो गया। पर इससे पहले कि सैम पूरी तरह से उसे खत्म कर पाता, वेरोनिका ने बीच में आकर उसे रोक दिया। इसके बाद सैम ने वेरोनिका को अपने आखिरी प्लान के बारे में बताया, जिसके मुताबिक वो वेरोनिका और उसके बच्चे को टेलीपॉड में बिठाने वाला था ताकि वो तीनों एक ही डीएनए में एक परिवार की तरह हमेशा के लिए रह सकें। और जब सैम ने वेरोनिका को जबरदस्ती टेलीपॉड की तरफ खींचना शुरू किया तो अपना बचाव करने के लिए वेरोनिका ने गलती से उसका जबड़ा उखाड़ दिया, जिसके बाद दर्द में चिल्लाते हुए सैम ने आखिरकार पूरी तरह से एक जानवर का रूप ले लिया। इसके बाद उसने जबरदस्ती वेरोनिका को एक टेलीपॉड में बंद कर दिया और खुद दूसरे टेलीपॉड में जाकर बैठ गया। पर तभी जख्मी पड़े साइमन ने वेरोनिका वाले टेलीपॉड की तार पर गोली मारकर उसे बाहर निकाल लिया और वहीं सैम अभी भी टेलीपॉड में फंसा ही हुआ था कि तभी टेलीपोर्टेशन शुरू हो गई, जिसके चलते मशीन में छोटे छोटे धमाके होने शुरू हो गए। इस दौरान कई सारे लोहे के टुकड़े सैम के शरीर में घुस गए और उसने दर्द के मारे वेरोनिका से मौत की भीख मांगना शुरू कर दिया। इधर वेरोनिका पहले तो उसे गोली मारने में झिझक रही थी, पर अपने प्यार को इतने दर्द में देखकर उसने उसे मुक्ति देने का फैसला किया और आखिरकार उसने सैम पर गोली चला दी। आपके हिसाब से वेरोनिका ने सही किया या गलत, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।